बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटर पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, बॉटनी का हम पेपर लेके आए हैं क्योंकि हमने आपको केमिस्ट्री और जियोलॉजी के 2022 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। तो जिन छात्रों के बॉटनी का पेपर सेकेंड सेमेस्टर वाले जो हैं, मतलब बीएससी पार्ट वन में तो है, मतलब कि फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है, तो उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ वही क्वेश्चन को पढ़ के जाना, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2022 के टॉप 10 लिस्ट में आने वाले हो, टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले हो। नकल पकड़े जाने पर आप क्या करें, कैसे बचाव कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक हम बताते हैं। चैनल को, वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है, कोई भी चीज़ आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, और दोस्तों को शेयर कर दिया करो। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोला गया है जो रिक्सिया है, देखो रिक्सिया है, इसके आपको जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता देना है, संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पर टिक लगा लो जो आपके पेपर में छप रहा है, पहला क्वेश्चन वो टिक लगाओ। रिक्सिया के लाइफ साइकिल के बारे में आप याद करेंगे क्योंकि आपको 2022 के टॉप 10 में आना है। और जैसे ही आप अपने क्लास में जाते हैं, अपने क्लास वालों को पहले मुझसे वादा करिए कि आप सभी क्लास वालों को, जितने छात्र हैं बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम हाई स्कूल इंटर बीए कुछ भी हो एलएलबी टेक जो भी कर रहे हैं, एनीवे सबके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके भी आप बॉटनी के भी नोट्स आप पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इसमें भी आपको लाइफ साइकिल के बारे में और जनन, सेक्सुअल कह सकते हैं लिंगी जनन के बारे में पूछा है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है मार्किनेसिया का जीवन चक्र के बारे में, वो भी संचित्र के बारे में, मतलब चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। और जब भी चित्र बनाया करो तो रंग बिरंगे पेनों से बनाया करो, जैसे कि आपने ये वाला पेन लिया, ग्रीन ले लिया, ठीक है, पीला पेन ले लिया, इस तरीके से आप बनाएंगे, अच्छी तरीके से चित्र बना दिया करो, ठीक है। और कोई कलर ले लिया इसमें से, ब्लू ले लिया उससे बनाया, अब देखो ये कितना अच्छा लगेगा चित्र, आप खुद देखो, ये तीन चार कलर के पेन लेकर जाया करो। कोई भी चित्र बनाओगे ना, बिल्कुल घटिया से घटिया आपका नज़र होगा ना, मतलब आपको बिल्कुल बेकार लगेगा वो पेन, मतलब आपको बिल्कुल बेकार लगेगा वो चित्र, लेकिन जब आप देखेंगे खुद से बनाने के बाद में तो यही चित्र बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको इस तरीके से अलग अलग पेनों से चित्रों को बनाना है, ठीक है, डायग्राम को बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या याद करना है, देखो ठीक है, हॉर्न बोर्ड, ठीक है, हॉर्न बोर्ड की लाइफ साइकिल, हॉर्न बोर्ड की लाइफ साइकिल के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है, लाइफ साइकिल, ठीक है, किस तरीके से। उसके बाद में आता है ग्रैमिया ग्रैमना कुल, देखो एक कप होता है, एक होता है ग्रैमी कप, एक होता है ग्रैमा कप, ये दो कप होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो ब्रैकेस्टोमा के पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्दी जनन होते हैं। एक होता है ग्रैमी, एक होता है ग्रैमा कप, ये दोनों कप को अच्छी तरीके से याद लिखना बायो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नीचे आए, ये आप देख रहे हैं राइनिया, राइनिया के आपको जनन भागों के बारे में याद कर लेना है, इनकी खोज किसने की थी, बस ये देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेना, और एक बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ना बीज स्वभाव, मतलब कि आपको बीज स्वभाव देखना है, सीड हैबिट्स क्या होते हैं, ठीक है, विषम जोड़ता क्या होती है, उसके बीज हैबिट्स के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा। उसके बाद में मैं आपको एग्जाम से दो दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जबकि पेपर में छपते होंगे, अभी आप बस इतना क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये है उसका बाद साइकस के जो कह सकते हैं जो परख हैं उनकी आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना क्या है उसके बारे में आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आवृत्तिजीवी के आर्थिक महत्व विकास के बारे में, आवृत्तिजीवी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आर्थिक विकास कैसे होता है, ठीक है। यहाँ देखो अनावृतजीवी पौधों के, अनावृतजीवियों के यानी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके आपको महत्व के बारे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद पाइनस, तो आप जानते हैं पाइनस की पत्ती, देखो पाइनस की पत्ती का अनुप्रस्थ काट, मतलब पाइनस की पत्ती को हम काटेंगे तो वो कैसे दिखाई देती है, वो किस तरीके से दिखाई देती है, आपको उस पत्ती को काट कर थोड़ा थोड़ा देख लेना है किस तरीके से दिखाई देती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। पुनरावर्ती विज्ञान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुनरावर्ती विज्ञान किसे कहते हैं, उसे हम पोलियो पोलियो कह सकते हैं, पॉलीबॉटनी बोलते हैं, पॉलीबॉटनी को पुनरावृत्ति वनस्पति कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, जैसे जीवाश्म अध्ययन का महत्व बोला जाता है, मतलब कि जीवाश्म, जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म का अध्ययन करिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और तनों किसे कहते हैं, तना जानते हो, तना किसे कहते हैं, स्टेम, स्टेम किसे कहते हैं, और उसके प्रकार कितने होते हैं, रूपांतरण के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ साधारण ऊतक के वितरण के बारे में, साधारण ऊतक क्या होता है आप ये याद करके जाएंगे, साधारण ऊतक और पुष्प क्रम क्या होता है, पुष्प क्रम के बारे में आप देखेंगे, पुष्प के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है।
और आपको देखो ये देखो विधिवत्व किसे कहते हैं, मेरिस्टम जिसे बोला जाता है, इसको विधिवत्व को मेरिस्टम बोला जाता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे ठीक है। पेरिट्रम बहुत इंस्ट्रूमेंट है, और ये देख सकते हैं ना कार्क कैम्बियन के कार क्या होता है, कैम्बियम कैसे बनाया जाता है, कैम्बियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। उसके बाद में आपको जटिल ऊतक को पढ़ लेना है, जालम क्या है, जूटक और जलल ऊतक और समहन ऊतक, इन दोनों ऊतकों को आपको पढ़ लेना है ठीक है। प्रभावी ऊतक क्या, प्रभिभाजी ऊतक क्या होता है वो आपको पढ़ना है, और ड्रेसी कह सकते हैं ड्रेसिना में असंगत वृद्धि कैसे होती है, ये असंगत वृद्धि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन रट के जाना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है असंगत वृद्धि, और इसके ड्रेसिना में कैसे असंगत वृद्धि होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना और इसको छोड़ देना। भ्रमण पोष क्या होते हैं, भ्रमण पोष को पढ़ के जाना है ठीक है। और असंग एम्पोक्सिस क्या जिसे हम एपोमेक्स बोलते हैं, एपोमेक्स को असंग जनन महत्व बोलते हैं, तो जिसे अपसंयोजन बोल सकते हैं या फिर आसंग जनन बोल सकते हैं, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अथवा में क्वेश्चन बनता है ठीक है। बहुव्रता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका रट के जाना, ये शॉर्ट में बनेगा, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में बनने वाले हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट बनेंगे। और परिवर्तन क्या होता है, ये शॉर्ट बनेगा, और परागण क्या होता है, द्विनिश्चेषण क्या होता है ठीक है, अनैच्छिक फलन क्या होता है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। आप इतने क्वेश्चन को पढ़ के जाइए और 2020 के जो पेपर होने वाला है उसमें 85% प्लस पाइए, मतलब कि 85% से नहीं 90% प्लस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप 2022 के टॉपर लिस्ट में आने वाले हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मैं इन क्वेश्चनों से बहुत कम कर दूंगा, जब पेपर से 2 दिन पहले आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर मेरा पेपर आ जाए, आप इनमें बताइए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाऊँ, तो मैं आपको बता दूंगा 2 दिन पहले। बाकी उससे पहले आपको ये सभी क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, और बाकी कोई क्वेश्चन वंचित रह जाता है तो आप बना बना के करके आना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।